हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ट्रेडमिल में लाइक साइकिलिंग, जिसमें फोर्सफुली हम पैर को दबाने की कोशिश करेंगे, थाई की एक्टिविटी करेंगे और एक्चुअल में पैर में फोकस करेंगे ताकत लगाने की। बिकॉज अभी जैसे लेट करके जो हम पैर मोड़ने की कोशिश करते हैं उसमें उतना पावर नहीं लग पा रहा है, लोड के साथ में उठाने में भी उतना पावर नहीं लग पा रहा है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट के साथ में कि चलते चलते नी लॉकिंग ना होने की वजह से जस्ट लाइक जर्किंग आता है, डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। इसको प्रॉपर स्ट्रेंथ करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन में लाने के लिए हम यहाँ ट्रेडमिल में प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें यू ग्रिप करना है। आप भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप थोड़ा सा उसे प्रॉपर परफॉर्म कर पाए और आपके साथ में कोई ना कोई हो, अकेले कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसके कारण आपको इंजुरी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है और ये लोड नहीं लेना है साइड में, क्योंकि अगर हम लोड लेंगे, वेट डालेंगे तो फिर एक्चुअल वेट हमारे पैरों पे आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, आप फोर्स करने के लिए अपोजिट काउंटर फोर्स ले सकते हो, लेकिन लोड नहीं देना है। जस्ट लाइक ये किया और दूसरा जब दबा रहे हैं, अभी डाउन पे फोकस करिएगा। जब आप देखिए, हम लेफ्ट पैर को यू नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करते हैं तो हाथ को यू नीचे लगाना है ताकि हाथ बॉडी ऐसे ऊपर ना जाए। तो इसको ये लॉक करना है और इधर ये लॉक करना है, इसके बाद लगाना है ताकि एक्चुअल में जो फोर्स है वो आपके थाई में, बैक में, पंजों में पूरी तरीके से ताकत लगे और आप उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो जस्ट लाइक मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। हम ये पूरा प्रॉपर स्टैंडिंग में है और कोशिश करना है कि हम स्ट्रेट ही रहें, यू ना रहें या यू करके ना रहें, स्ट्रेट रहें और इसके बाद ये दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे जिम में हम थाई मसल्स के लिए, थाई को स्ट्रांग करने के लिए लेट करके पैर से पुश करते हैं या फिर उठक बैठक लगाते हैं या सो मेनी काइंड ऑफ टेक्निक्स हैं जिसमें हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो ये भी एक तरीका है जिसमें हमें ये होल्ड करके, जस्ट लाइक आपने देखा होगा लोगों को रिक्शा चलाते हुए, जैसे वो रिक्शा चलाते हैं फोर्सफुली अगर लोड लिया हुआ है तो वन साइडेड उठ करके यूं चलाते हैं और फिर दूसरी तरफ यूं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने ट्रंक को थोड़ा स्ट्रेट रखना है, यूं झुकना नहीं है, ठीक है, और इस तरीके से परफॉर्म करना है। देखिए आप, ये जो मेरा फिंगर है वो कैसा होल्ड किया हुआ है मुझे, ताकि मैं और फोर्सफुली ताकत लगा पाऊं पैरों में। ये इस तरीके से वेट को ट्रांसफर करते हुए आप ट्रंक को देखिए, अभी इधर फोर्स लगाना है तो इधर चला गया, ट्रंक शिफ्ट हो गया, अभी इधर आना है तो ये देखिए ये इधर आ गया। तो इस तरीके से हमें फोर्स लगाना है और ये एक्टिविटी बार बार रिपीट करनी है, कम से कम 20 करने हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 से 10 से, इसके बाद फंक्शनल एक्टिविटी में आ जाएगा तो 10-10 के 3 रिपीटेशन ले सकते हैं। तो आज हम ये चीज दीपक जी के साथ कराने वाले हैं। चलिए आ जाइए दीपक जी। ठीक है, इनके साथ में ये प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं लेकिन आज आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। अभी कंडीशन पहले से काफी बेटर हो चुकी है, आगे बैंड नहीं करना है। इनकी हाइट की वजह से थोड़ा सा इन्हें बैंड होना पड़ रहा है क्योंकि हाइट थोड़ा ज्यादा है इनकी, लेकिन कोशिश यही करनी है जैसे कि हमें नीचे की तरफ लोड नहीं देना है, ये ग्रिप करना है ताकि हम इस पे प्रॉपर फोर्स डाल पाए। ठीक है, अभी देखिए पैरों की तरफ आ जाते हैं। जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये नी जो है ये पूरा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए, 0 डिग्री पे होना चाहिए।
और जैसे कि अभी आप देखें, पहले इनके साथ में ये गलती होती थी कि पैर ऑटोमेटिक पीछे की तरफ आ जाता था और फुल्ली स्ट्रेट होता था। रुकिएगा, पैर को पीछे करिएगा, ऐसा हो जाता था, लेकिन अभी कंट्रोल काफी आ चुका है। कंटिन्यू, कंट्रोल काफी आ चुका है, एंकल में भी कंट्रोल आ चुका है। अदरवाइज पहले क्या होता था, पैर नीचे की तरफ स्लिप हो जाता था या फिर आगे की तरफ मूव कर जाता था। तो ये सारी चीजें हैं जो इस प्रैक्टिस से काफी इम्प्रूव हुई हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय हमें नी का ध्यान रखना है, नी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, नी को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म करना है। इस तरीके से रिपीटेड मूवमेंट लेंगे हम और डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे। जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 काफी इम्प्रूव आ जाएगा। इसके अलावा बीच बीच में हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे कि अभी जो कंडीशन पहले थी कुछ दिनों में कैसी हो गई और नेक्स्ट कुछ दिनों में कैसी हो गई। तो ये अपडेट से आपको ये नॉलेज मिलेगा कि अगर प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं और कितनी फास्ट उनके रिजल्ट्स आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।